तो यार कैसे हो, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और यार आज हम मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 19 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, तो इसीलिए यार वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है मॉब साइको पे। तो प्लीज़ यार इतना मत करा करो कि भाई यार तू रेगुलर वीडियो बना, क्योंकि अगर मैं रेगुलर वीडियो मॉब साइको पे बनाता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम मॉब साइको को अब वीकली एपिसोड रखने वाले हैं। तो यार अभी कुछ गिन चुन के 4 ही एपिसोड तो बचे हैं मॉब साइको के, तो उसे आराम से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यार अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके जरूर देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। तो यार आगे की बात हम इंट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। It's so cold outside, I'm alone. तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को रेगना आर्टिकारा को दिखाया जाता है, क्योंकि वो अब अपने टीवी के शो के लिए तैयारी कर रहा है और उसके शो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो जो शो है वो पूरी लाइव स्ट्रीम चल रही है। और यार रेगना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूज़ का मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो कमेंटेटर है वो बताता है कि यार यहाँ पर हम लोग के पास 2 साइकिक आए हैं, जिसमें से एक है बड़ौ चचा और एक है रेगन आर्टिकारा। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे मतलब कि जो वो कमेंट्री वाला रहता है वो बोलता है कि हमारे पास एक पेशेंट है और आप बताइए कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है और आप इसे कैसे निकालेंगे। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यार यहाँ पर इस बच्चे को दिखाया जाता है। और उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो बड़ौ चचा रहते हैं वो प्लान बनाते हैं कि कैसे रेगना को एक्सपोज किया जाए और बताया जाए कि रेगना ढोंगी है। तो अगले सीन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे जो बड़ौ चाचा रहते हैं वो बोलते हैं कि ये काम मैं रेगन को देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रेगनाक है वो इस छोटे से बच्चे को मतलब कि उसके अंदर से वो बुरी आत्मा निकाले। तो रेगन बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो। तो उसके बाद जो बड़ौ चाचा रहता है वो बोलता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। तो जो रेगना रहता है वो समझ जाता है कि क्या ये स्क्रिप्टेड है। तो यार जो अपना रेगनाक है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो बोलता है ठीक है मैं करूँगा। तो बड़ौ चचा बोलते हैं कि ये तो मेरे जाल में फंसते जा रहा है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रेगना आर्टिकारा को देख रहे हैं और अब रेगन उस छोटे से बच्चे के अंदर से वो डीमन वाला भूत को बाहर निकालेगा। और रेगना को काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब कि रेगना पूरी मतलब बोल सकते हैं पूरी सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और स्टार्ट में हम देखते हैं जो रेगना रहता है वो अपना सबसे पहला स्पेशल मूव उस छोटे से बच्चे पे यूज़ करता है। वो अपना स्पार मतलब कि जो साल्ट रहता है उस छोटे से बच्चे पे यूज़ करता है। मतलब व्हाट द फक यार क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा ही तो है और कुछ भी नहीं होता है। रेगना को विश्वास नहीं होता है कि वो कैसे। और यार जहाँ पे देखते हैं जो रेगना रहता है वो अपने दूसरे अपना स्पेशल अटैक को यूज़ करता है, वो उसे बहुत जोर का घोसा देता है। फिर उसके बाद वो उसकी मसाज करता है। इसी तरह करते करते 30 मिनट बीत चुके रहते हैं और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा ही गौर से देखते रहते हैं, ख़ास करके बड़ौ चचा। तो उसके बाद रेगना सोचता है कि क्या ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे तो लगा था ये सब स्क्रिप्टेड है। तो उसके बाद वहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं कमेंटेटर रहता है वो बोलता है कि बड़ौ चाचा अब आप करिए। तो उसके बाद बड़ौ चाचा बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो कमेंटेटर रहते हैं वो बोलते हैं कि रेगन ने अच्छी कोशिश की, अब आप आएंगे बड़ौ चाचा। तो उसके बाद रेगन बोलता है कि मतलब रेगन सोचने लगता है कि यार यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई, मैं मतलब 30 मिनट से काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। तो तभी बड़ौ चाचा बताते हैं कि वो मतलब कि असल में जो बच्चा है उसके अंदर कोई आत्मा ही नहीं है और सब मतलब कि जो रेगन है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी रेगन से पूछता है कि भाई तू तब से कर क्या रहा था, तू 30 मिनट से कर क्या रहा था। तो उसके बाद बड़ौ चाचा बोलते हैं कि मतलब कि हर एक साइकिक का अलग अलग मतलब कि स्टाइल होता है, मतलब कि वो करने का मतलब भूतों को भगाने का। तो अगले सीन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो रेगन रहता है वो मतलब कि बहुत गुस्सा भी है बड़ौ चाचा के ऊपर और वो जान चुका है कि उसकी लग चुकी है अब। तो यार हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब रेगन की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो रही है और जो रेगनाक रहता है उसको दे दिया
जाता है साइकिक फ्रॉड और उसे तो क्रिमिनल तक बना दिया जाता है। तो यार यहाँ पे हम लोग को सेठ बाबा को दिखाया जाता है और सेठ बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया रिगन के साथ। और रिगन के सबसे पहले कस्टमर को जिसको मैंने बताया था वो उसको भी पता चलता है। और यहाँ पे ये जो भूत वाले सो तीन थे बंदे रहते हैं उन सबको भी पता चलता है कि रिगन फ्रॉड है। तो अगले सीन में हम लोग को स्कूल में दिखाया जाता है, मॉब का जो फ्रेंड रहता है वो मॉब से पूछता है कि तुम किसी ग्रुप में काम करते हो ना। तो मॉब बोलता है हाँ मैं मतलब कि मैं एक जगह काम करने चाहता हूँ। तो उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हारे मास्टर का नाम रिगन है। तो मॉब बोलता है जी हाँ। तो उसके बाद वो बोलता है कि वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। तो मॉब बोलता है कि वो उनका एक प्लान का हिस्सा है, तुम शांत रहो। फिर अगले सीन में देखते हैं कि रिगना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी मतलब कि वो एक्सपोज हो चुका है। और यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबको बताया जाता है मतलब कि पूरे सोशल प्लेटफॉर्म में रिगना को बहुत बुरी तरह से लिया जाता है और रिगना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और भी बहुत सारी मतलब कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें बताया जाता है कि रिगना ने सबकी चूतियाँ काटी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से रिगना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है तो फिर से वो जाता है पीने। लेकिन वहाँ पे जो उसके पुराने दोस्त रहते हैं वो भी बोलते हैं कि निकल पहली फुर्सत में निकल, हमें कोई भी फ्रॉड बंदे नहीं पसंद। और यार यहाँ पे रिगन के दोस्त भी उसे भगा देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि दो तीन बंदे वो चाहते हैं कि रिगना का वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सके। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे दिखाने को मिलता है कि यार यहाँ पे हम लोग मतलब कि टीवी शो चलता है और वो बोलते हैं कि अब रिगना अटकारा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो ये मॉब भी देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी बढ़ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रिगना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है और वो बैठा रहता है और वो सोचता है कि आखिर मतलब कि उसे बुलाया क्यों गया है। और उसके बाद रिगना के पास बस एक ही मौका है अपने आप को डिपेंड करने का और बताने का कि वो ढोंगी नहीं है। तो अगले सीन में देखते हैं रिगना बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो उसके बाद सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं बोलते हैं अबे तो सही से बात कर। तो उसके बाद रिगना आर्टिकारा बोलता है कि तुम्हें क्या काम है। तो तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि यार तुम एक फ्रॉड हो ना। तो उसके बाद रिगना आर्टिकारा बोलता है कि नहीं मैं फ्रॉड नहीं हूँ, अगर ऐसा ही था तो मैंने इतने सारे केसेस को सॉल्व किया है, अगर ऐसा ही रहता तो मैं अब तक फ्रॉड नहीं रहता। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती तो मेरे जो खुद के कस्टमर हैं वो क्यों नहीं मेरे ऊपर इंक्वायरी करते। तो उसके बाद देखते हैं कि सभी लोग मिल के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं रिगना आर्टिकारा पे। और वो बोलता है, एक आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास साइकिक पावर है। तो रिगना बोलता है कि मैं इस पर हाँ और ना करूँ तो तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा झंडरा पीटोगे, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन सभी बोलते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर देना होगा, तुम्हें देना होगा, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आए हो। तो अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी पूछता है कि तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या सच में तुमने एक भी केसेस छोड़ा है। तो रिगना बोलता है कि मैंने एक भी केसेस नहीं छोड़ा है, सारे केसेस सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेरू को हमें दिखाया जाता है और टेरू बोलता है कि यार रिगना की तो लग चुकी है। और बुड़ऊ चचा, जी हाँ बुड़ऊ चचा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिगना की लग रही है और पूरे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग देख रहे हैं रिगन आर्टकारा को। तो अगले सीन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एक आदमी पूछता है कि तुमने क्यों तुम्हारा पुराना जॉब क्या था। तो रिगना बताता है कि मेरा पुराना जॉब था कि मैं मतलब कि किसी ऑफिस में काम करता था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। तो अगले सीन में वो बोलता है कि मैंने अपने सारे कस्टमर की बहुत ही अच्छे तरीके से ली है, मतलब कि मैंने सारे कस्टमर को बहुत अच्छे से मतलब कि उसकी देखभाल की है। तो अगले सीन में फिर से हम लोग को वो दिन दिखाया जाता है कि रिगना के पास आता है मॉब। और यार यहाँ पे देखते हैं कि रिगन बोलता है कि हे छोटे बच्चे तुम्हें क्या काम है। तो मॉब बोलता है उससे कि आप भी एक साइकिक हो ना, मैं साइकिक पावर यूज़ करता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे कि साइकिक पावर क्या होती है। तो रिगना अटकारा बोलता है कि आ जाओ अंदर। तो उसके बाद रिगन बोलता है कि साइकिक पावर भी एक ह्यूमन के लिए ही है। और वो बोलता है कि जैसे कुछ बंदे स्मार्ट होते हैं, कुछ बंदे पावरफुल होते हैं, उसी तरह कुछ बंदों को मिलता है साइकिक पावर जिसे तुम्हें आम की तरह यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद वो चाय पीता है। तो माँ पूछता है कि क्या मैं आपसे मिलने कल आ सकता हूँ। तो रिगन बोलता है नहीं यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो गलती से माँ रिगना की चाय गिर जाती है लेकिन माँ अपने टेलीपैथी से उसे अपने कप में डालता है और रिगन चौंक जाता है कि क्या ये कैसे किया, क्या ये सच में मजाक नहीं हो रहा है।
तो अगले सीन में रेगनान पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि भूतों को कैसे भगाया जाए। तो मॉब बोलता है जी मुझे पता है। तो उसके बाद रेगन बोलता है कि तब ठीक है, कल मिलना मुझे इसी टाइम पे। तो जो मॉब रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन फिर हम लोग को ये देखने को मिलता है जो रेगन रहता है वो बोलता है कि यार मैंने मॉब का बहुत ख़राब यूज़ किया, मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने मॉब का इतना गलत क्यों यूज़ किया। तो उसके बाद एक आदमी पूछता है कि तुम्हारा जो मकसद है, मतलब कि तुम्हारा क्या मकसद है। तो रेगना का जो मकसद रहता है बेसिकली वो यही रहता है कि वो किसी अच्छे से, मतलब कि किसी एक बंदे से बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती करना चाहता है जिसका वो उत्तर देना नहीं चाहता है। तो तभी बहुत ही अचानक से एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है, मतलब कि जो सारे कैमरा रहते हैं वो आसमान में उड़ने लगते हैं और बुड़ौ चाचा चौंक जाते हैं। और यार यहाँ पे देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग जो टीवी पे देखते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, पूरी कैमरा उमरा सब कैसे घूम रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो रेगन रहता है वो समझ चुका है कि अब काम हो चुका है उसका। फिर यार जहाँ पे देखते हैं कि यार जो पूरे सारे कैमरा रहते हैं वो बहुत ही अनस्पिरिचुअल की तरह, मतलब कि आसमान में उड़ रहे हैं और सबको समझ में नहीं आ रहा है और क्या हो रहा है। तो रेगन बोलता है कि मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ। और इसी के साथ मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 19 ख़त्म हो जाता है। तो यार अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो यार आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। और यार इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आ जाओ @hindustaniotaku1। और यार हमें डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।